तो और दोस्तों क्या हाल है, ये है गेमिंग इंफ्रास्ट्राइड। और फिर अपन आज क्या बोलते हैं, एक नई वॉर स्टोरी देख रहे हैं बैटलफील्ड 1 में। तो फिर इसका नाम है द रनर। और फिर ये क्या बोलते हैं, मुझे मेरे 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 हिसाब से कुछ नेवल फ्लीट के ऊपर है। तो फिर चलो और देखते हैं कि इसमें क्या है। केप हेलिस लीड द चार्ज ऑन टू द बीच। तो ठीक है, बीच बीच वाला है। और फिर शिप वेव की भी फोटो बनी है। But instead of adventure, we found fear. And in war, the only true equalizer is death. ना ठीक है, तो ये कुछ स्पीच वगैरह दी इसने। और फिर चलो देखते हैं कि केप हेलिस में क्या होता है। डार्डानेलस गैलिपोली पेनिनसुला स्प्रिंग 1915। द ब्रिटिश एम्पायर इंटेंड्स टू ओपन अ न्यू फ्रंट टू द वॉर। Plans for an unprecedented naval invasion of the Ottoman homeland are drawn up. The attacking naval force represents the biggest single fleet yet assembled. The gathered ships carry over 500,000 men. The forces are drawn from Australia, New Zealand, Ireland, India, Newfoundland, France, Britain. Their orders are to land and march on the capital of Constantinople. तो फिर मतलब जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनी है वहाँ वहाँ के आए हैं लोग, इसलिए अपने भी अपने इंडिया वाले वाले भी आए, बेचारे फालतू में फंस गए थे। At Cape Helles, the steamship River Clyde is used as two engine horse crashing into the beach. It employs several battalion of Allied soldiers. A tenuous breach is seized. Half the landing force is killed. तो फिर ये मुझे ऐसे D-Day टाइप की लग रहा है, जैसे वो क्या बोलते हैं, जो वो बीच पे था वो जर्मनी वाले में, कि वो D-Day तुम लोग ने अगर देखा होगा वो कॉल ऑफ ड्यूटी में भी होता है वैसा, उसका एक मिशन है कॉल ऑफ ड्यूटी 2 में। क्या पता क्या होगा, देखते हैं। मगर फ्रेडरिक बिशप, तो हमेशा स्टोरी आती है पहले। फ्रेडरिक बिशप, नो ही इज डेड, सॉरी, बट इजंट दिस योर पिक्चर? I suppose so. Jack Foster. I'm your new charge. No, you're not. You have to take this kid off me. Of course not. He came all this way just to see you. Frederick Bishop, the pride of Australia. And lied about his age to get past conscription. Yes. Follow me. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कुछ स्टेप का ये है कि मतलब एक छोटे से मतलब यंग आदमी को एक वेटरन सोल्जर के साथ क्या बोलते हैं साइन कर दिया है। तो फिर अपन एक शिप पे है और पता नहीं क्या करना है। We have the dreadnoughts this time. Plug your ears, kid. It's gonna be loud. New objective. Hold to use binoculars. Q. ठीक है. Direct the dreadnought barrage. और मतलब ठीक है, dreadnought क्या बोलते हैं, ship से मारना है. तो फिर dreadnought कहाँ से आता है पहले वो देख लेते हैं. करना कैसे? Send these coordinates. ठीक है, तो मतलब गन से कर रहे हैं अटैक। और मतलब अपन ने मॉर्स कोड से वो दिया है क्या से क्या कोऑर्डिनेट्स कौन से तो उसको मतलब गन भी पकड़ना आता नहीं है। तो फिर क्या बोलते हैं, उसको इधर बिठाया और फिर अपन जाएंगे कितने किधर क्या वगैरह बैठा हुआ है। स्टॉर्म द बीच, तो टाइम आ गया है बीच को स्टॉर्म करने का। तो ये क्या, अच्छा हाँ वो मुझे आ गया उसका नाम था नॉर्मेंडी।
डी डे नॉर्मंडी वो बहुत ख़तरनाक था और बहुत लोग उसमें मरे थे, और फिर इस तरीके से उन लोग ने भी क्या बोलते कि बीच स्टॉर्म किया था, सिक्योर द ट्रेंचेस, तो क्या बोलते हैं लोगों लोग लोग मरने हैं अभी, तो ये रहे सामने उतने, और तो ट्रेंचेस साफ करनी है, ये क्या बोलते हैं दुश्मन है क्या, पता नहीं शायद, ये गया, अरे वाह गन गन गन, एमो एमो है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ई वेपन्स ग्रेड आर पिकअप ग्रेनेड आरपीजी, ठीक है, कहाँ है और लोग पता नहीं सही जा रहे हैं या नहीं, ये रहा सामने एक, और ये रहा एक सामने, तो इसमें एक ही तरीका है मारने का और वो है शॉट ही मारना पड़ेगा, ठीक है, तो बापरे कहाँ से कहाँ कहाँ से मार रहा है भाई, अरे बापरे सामने था, बच गए, तो वो कोई ऊपर से वो बराज एकदम शॉट्स गिरा रहा है, तो फिर उसका उसका कुछ करना पड़ेगा, एफ मिली, अरे यार एक तो वैसे ही ये गन में रीलोड टाइम बहुत कम है, और रीलोड टाइम बहुत ज़्यादा है, और ग्रेनेड भी आ गया, और कहाँ है ऊपर, अपने को जाना समय वहाँ है पर अपन ने लंबा वाला रास्ता ले लिया शायद, ये रहा ये गन भाई मार रहा था बहुत भयंकर, अरे बाप रे मरा ही नहीं गया, शिट, तो ये कभी कभी मीली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अरे बाप रे कहाँ से मार रहा है कहाँ से मार रहा है, गर गए 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 गन्ने मरने वाले, शिट छुपना चाहिए जो शायद जाके शिट गए, ठीक है, तो फिर ये था मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं द रनर, और फिर क्या बोलते हैं नेक्स्ट वाले इसमें अपन कोई और देखेंगे नया वाला मिशन, और तो फिर मिलते हैं उस वाले एपिसोड में, नेक्स्ट वाले में देखा था शायद वो ऑटोमन एम्पायर वगैरह पे था कुछ, कि उसमें वो लोग डेजर्ट वगैरह करते, तो वो शायद आखिरी वाला है वॉर स्टोरी, तो उसका भी एक इंट्रोडक्शन टाइप एक वीडियो बना लेंगे और फिर देख लेंगे कि उसमें क्या है, तो फिर तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।